बाबू जगन प्रसाद व अन्य विद्यालयों का एक ही परिसर में फर्जी ढंग से संचालित करने का मामला प्रकाश में आया है। शिक्षा विभाग में गजब का खेल। जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा मोटी रकम लेकर फर्जी अध्यापकों का किया जा रहा है वेतन भुगतान। आपका परिचय क्या है? हमारा परिचय है, हमारा नाम है त्रिभुवन नारायण पांडे, ग्राम नंदापुर, श्यामापुर, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी। आपके द्वारा माननीय पांडे जी, आपके द्वारा जो है एक शिकायत पत्र माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव इत्यादि प्रार्थना पत्र आपने आला अधिकारियों को दिया है, भाई रजिस्ट्री, भाई फिर जो भी जिस तरीके दिए हों, क्या आप बाबू जगन प्रसाद विद्यालय को लेकर किस तरीके से जो है आप दो दो जगहों पर जो है कार्य करना, एक ही नाम के व्यक्ति को, और बुलानाला के पास ये विद्यालय संचालित होना कागजी ब्लैक में, और यहाँ पर वर्तमान में हरिहरपुर में चलना जनसा में, इसके तहत आप किस प्रकार का ये अपने ज्ञापन दिया है, किस प्रकार आपने जो है अवगत कराया है, क्या मामला है, पूरी जानकारी आप दीजिए। इसकी ये जानकारी है कि ये जो सुरेंद्र प्रसाद मिश्र हरिहरपुर के निवासी हैं, जहाँ पे विद्यालय स्थापित वहाँ का वो निवासी आदमी है, और शिक्षा माफिया नंबर एक का हो चुका है। कारण क्या है, डबल नौकरी किया है उस समय, डबल ही नहीं, तेरी संस्कृत विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत रहा, समझ रहे हैं। उसके बाद 91 में इसकी पोस्टिंग हो गई झांसी जी, और उसके बाद 92 से ये विद्यालय बाबू जगन प्रसाद बैजनाथ संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार वर्तमान से वहाँ से बना हुआ चला आया। 2015 में एड में वो विद्यालय ले लिया गया, और वो 15 में जब हमारी कार्रवाई शुरू हुई तब वो रिजाइन दिया है। इस तहत वो आदमी इतना धूर्त और इतना बेईमान है, जो कि विद्यालय का एड आने के पहले 3,70,00,000 रुपया वो पहले से ही फ्रॉड गिरी करके वहाँ से UGC से उठा लाया। क्या इस बाबत कोई अधिकारी, इसमें समक्ष अधिकारी कोई जांच? इतना हम 2015 से एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। प्रमुख सचिव के माध्यम से जांच हुई, प्रमुख सचिव के माध्यम से जांच होने के बाद दो सिद्ध होगा, दो दो अधिकारियों से जांच कराया गया, और उसका रिपोर्ट भी भेजा जा चुका है। वर्तमान डिवाइस वाराणसी उसका वेतन रोक दिए, लेकिन उसके बाद जो इस समय वर्तमान अधिकारी डिवाइस है वहाँ से कोई आदेश न आने के बाद भी वेतन चालू कर दिया। मेरा जन सूचना लगाने के बाद उन्होंने यही कहा कि वेतन नहीं पारित हो रहा है, लेकिन वहाँ पे वेतन पास है, वेतन पास है। हाँ, और आपके द्वारा एक इसमें उल्लेख किया गया है, एक उल्लेख किया गया है कि बाबू जगन प्रसाद विद्यालय प्रांगण में 5-5 विद्यालय चल रही है। हाँ, वहाँ पे बाबू जगन प्रसाद प्रांगण में एक ही विद्यालय है, 5-5 लक्ष्मी नारायण प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मी नारायण जूनियर हाई स्कूल, उसके बाद उसमें बाबू जगन प्रसाद माध्यमिक, बाबू जगन प्रसाद महाविद्यालय, और एक BTC समपक्ष LED वहाँ पे कोर्स चलाया जा रहा है। जिनके ऊपर आप आरोप लगाए हैं, जिनको आरोपित आपने सिद्ध किया है, इसमें जांचकर्ता ने सिद्ध किया है, क्या वह कितने जगह इस पदनिष्ठ है, कितने जगह ड्यूटी कर चुके हैं अपना? ये कम से कम 3 स्थानों पे काम कर चुके हैं। किस किस पद पे इन्होंने वेतन लिया है? वेतन तो ये यहाँ से आपके स्वास्थ्य विभाग से, ये जब फार्मासिस्ट रहे जी, वहाँ से वेतन भुगतान करवाए हैं। इसके बाद उसके दरमियान मेरे शिकायत पे ये आरोप लगाया गया कि ये वेतन प्रिंसिपल का पाया नहीं, प्राचार का जी। लेकिन ये कापी जाँचे हैं, परीक्षा करवाए हैं, सब कुछ रहते हुए यहाँ पे ये कैसे संभव हो सकता है? इस समय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को आपने श्री विजय प्रकाश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी, एवं संतोष कुमार, वित्त लेखाधिकारी कार्यालय जिला वाराणसी निकास वाराणसी द्वारा भ्रष्ट तरीके से अर्जित अंक की संपदा की स्वास्थ्य एजेंसी जांच कराने की अपने बात कहा है। इसलिए मैंने कहा है कि ये इतनी अच्छी और मोटी रकम ले लेकर जो 2015 में एड आया हुआ रुका रहा, उसको 2020 में ये चालू किया है, और अच्छी मोटी रकम लेकर पेमेंट कराया जा रहा है, और एक ही विद्यालय का नहीं, खवर्गीय विद्यालय का पेमेंट खवर्गीय विद्यालय में दिया जा रहा है, खवर्गीय विद्यालय का पेमेंट खवर्गीय में दिया जा रहा है, ये इसका अनियमितता है, दोनों का मिला हुआ। आपके द्वारा कुछ तत्व रखी गई है जिसमें भ्रष्टाचार, बेईमानी, कूट रचना, फर्जीवाड़ा संबंध में आपने एप्लीकेशन दिया है, तो क्या इस चारों उल्लेख में कोई कार्रवाई इनके ऊपर हुई कि नहीं? कुछ नहीं, अभी तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वेतन रोका गया था, फिर वेतन पारित हो गया। इस पे आप क्या चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, न्याय चाहता हूँ, 2015 से मैं लगा हुआ हूँ, और इस पे न्याय चाहता हूँ, जो सही है उस कार्य को किया जाए। पांडे जी, आप ये बताइए कि आप इस बाबत आपने कितने जगहों पे एप्लीकेशन दिया, किन किन अधिकारियों के वहाँ? मैं प्रमुख सचिव, शिक्षा निदेशक, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मैं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे मैं
कार्रवाई नहीं किया, लेकिन वहाँ से जो कुछ मुख्यमंत्री के यहाँ से दो दो आदेश आया, लेकिन उस आदेश को भी धत्ता बताते हुए कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। आप क्या इस पर किसको आरोपी समझ रहे हैं, किस लिए इस तरह से आपके प्रार्थना पत्रों पर हो रही है? हम इसमें सबसे बड़ा आरोपी हम डिवाइस को ही मान रहे हैं। डिवाइस और लेखा की मिली भगत से ऐसा कार्रवाई किया जा रहा है। इसके पहले रहने वाले डिवाइस के समय वेतन पास नहीं हुआ था, लेकिन जब से ये आए हुए हैं तब से ये एकदम टोटल संलिप्त हैं। आपके प्रार्थना पत्र को दृष्टिगत रखते हुए दो दो प्रधानाध्यापक राजकीय हाई स्कूल हसनपुर और राजकीय हाई स्कूल रामगढ़वा वाराणसी के प्रधानाध्यापक ने जाँच किया था। जांच में दो सिद्ध होकर के उन्होंने अपना जो है आख्या दिया है कि उपयुक्त प्रकृति तथ्यों से स्पष्ट होता है श्री सुरेंद्र प्रसाद मिश्र विभिन्न स्तरों पर संवैधानिक प्राप्ति चिन्हित विधिक वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया है तथा धोखाधड़ी फर्जी जालसाजी के कार्य किया, जिसके लिए उनके विरुद्ध समय विधिक कार्रवाई की जानी समुचित होगी। इस पर क्या हुआ? आज तक कोई कार्रवाई उस पर नहीं। संयुक्त निदेशक शिक्षा निदेशक तीन तीन लेटर दिए डिवाइस को, लेकिन आज तक उसके ऊपर विधिक कार्रवाई नहीं की गई। कोई पत्र है आपके पास जो आपने उनको दिया है? हमारे पास सारे सबूत हैं, आवश्यकता पड़ने पर मैं सब प्रस्तुत कर सकता। आप एक साक्ष दिखाइए हमको। इतनी आपने अभिलेख जो है जांच के लिए आपने प्रस्तुत किया, इसके बाद भी कोई कार्रवाई माननीय प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र में नहीं हुई? नहीं। इससे क्या आप साबित कर सकते हैं जो है आप जांच कराने के लिए इतना प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, इस तरह की माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जहां एक तरफ भयमुक्त भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी सपना है, तो क्या आपको लग रहा है कि सपना उनका पूरा हो सकता है? ऐसे ऐसे अगर भ्रष्ट अधिकारी और ऐसे ऐसे शिक्षा माफिया रहेंगे तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की अभियान है, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस अभियान से आप उनके तक आप अपना क्या ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं? जो हम ध्यान यही आकृष्ट कराना चाहते हैं कि एक अगर सच के लिए एक आदमी इतना जब परेशान होगा तो ये सच्चाई कहाँ से, भ्रष्टाचार कहाँ से बंद हो पाएगा? जब कोई अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध निवेदन है कि इस प्रकरण को देखें।